और इसीलिए डिस्टर्ब कर रहा है। खुदा की सदा करो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु का जलाल करो और यीशु की उपस्थिति में आओ, रो, अपने आंखों को धो। यीशु मसीह आपके जीवन, हमारे जीवन को परिवर्तन करने चाहता है। यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलने चाहता है। यीशु मसीह हमारे जीवन में आजादी को लेके आना चाहता है। आपको बताना चाहता हूं, एक होता है द ग्रेट एक्सचेंज एंड दूसरा होता है द ग्रेट
escape. The great exchange and the great escape. The great exchange होता क्या है जो क्रूस के ऊपर हुई. इसलिए मसीहत में क्रूस बहुत महत्वपूर्ण है. बाइबल लिखा जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपने क्रूस को उठाकर, यीशु का क्रूस को उठाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना क्रूस और मुझे अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे जाने की जरूरत है. ये क्रूस है क्या? दिनचर्या के जीवन, हमारे दुख, हमारे मुसीबत, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारा परिवार, हमारा कष्ट, हमारे इत्यादि जो सारे चीज आपका है, और वो सारे चीजों को उठाकर, अपने क्रूस को उठाकर लेकर जाना है. क्रूस होता है हमारे लिए एक पावरफुल बात है. बहुत लोग इस क्रूस के बारे में प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रॉस होता है वो ब्रिज है जिसके द्वारा आप और हम रैप्चर होने जा रहे हैं. इसलिए जो द ग्रेट एक्सचेंज को समझ पाया है वो ग्रेट एस्केप में जाने वाला है. हालेलुया. जो ग्रेट एक्सचेंज को समझा है वो ग्रेट एस्केप में जाने वाला है. एक बड़ा एस्केप होने जा रही है. एस्केप बोलने से हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जोर से बोलो. भागना या निकल जाना. पकड़ने वाला था, तुरंत निकल गया. द ग्रेट एस्केप. ये एस्केप जो विषय है ये परमेश्वर उन लोगों को देगा जो ग्रेट एक्सचेंज को महसूस कर पाते और समझ पाते हैं. गलातियों 2:20 में लिखा है, गलातियों 2:20 में लिखा गया है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा और मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है. मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया और मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है. और जो जीवन अब मैं जी रहा हूं वो विश्वास के साथ जीता हूं. और जो विश्वास के साथ मैं जी रहा हूं, ऐसे वैसे नहीं जी रहा हूं, मैं स्वर्ग जाने के लिए जी रहा हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए जी रहा हूं. बहुत सारे बातें बाइबल में लिखा है ये महाक्लेश में होने जा रही है और चालू हो गई है. और ये एस्केप में अगर आप नहीं जाओगे, आप भयंकर ग्रेट ग्रेट ट्रिबुलेशन में फंस जाओगे और आप पर हम फंस जाएंगे. और ये चालू हो गया है, ये आरंभ हो चुकी है, गिनती चालू हो गया है. आपको पता है जो स्वर्ग जाएगा या जिसका रैप्चर होगा उसको पवित्र आत्मा ने मुद्रांकित कर दिया है. पवित्र आत्मा ने मुद्रांकित कर दिया है. पवित्र आत्मा ने मुद्रांकित कर दिया है. और इसीलिए मेरे प्रियो को बताना चाहता हूं आपको, जो जाएगा वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और सिलेक्ट होने वाला नहीं है. इसीलिए ध्यान देकर सुनना, जो बहुत प्रार्थना और अपने जीवन को पवित्र बनाकर रखे हैं या चल रहे हैं उसके पीछे रात और दिन लगे पड़े हैं, जान लो वो सील्ड लोग हैं, उसको मुद्रांकित किया गया है. और जो ऐसे ही जी रहे हैं और थोड़ा प्रार्थना, कोविड से पहले भी थोड़ा प्रार्थना और कोविड के बाद में भी, कोविड चल रहा है उससे पहले भी थोड़ा प्रार्थना, अभी भी थोड़ा प्रार्थना कर रहे हैं, जान लो उनको सील नहीं लगा है. उसका मतलब उनको बंद किया जाएगा. अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपको हलाल किया जाएगा, आपको मारा जाएगा. 666 मार्क नहीं लेगा, इसलिए उन लोगों को काटा जाएगा. इसलिए उन लोगों का जीवन ऐसा है. और उनमें से बहुत लोग और महाक्लेश में अपने ईमान को बेच देंगे. जब उनके परिवार को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, वो अपने ईमान को बेच देंगे और एंटी क्राइस्ट का नंबर ले लेंगे. क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा है, जब परमेश्वर का वचन है और जब कलीसिया है, जब प्रभु के लोगों का वचन सुन सकते हो और भविष्यवक्ताएं आके आपको हर दिन चेतावनी देते हैं, उस समय में अगर आप तैयार नहीं हो पाए, अब उस समय में परमेश्वर का भय में आप बदल नहीं पाए, तो आप क्या गारंटी है कि महाक्लेश में पवित्र आत्मा ने
नहीं रहेंगे, अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा। सुन लो, आपका बाइबल आपसे चला जाएगा, वचन सारे लुप्त हो जाएंगे। उसका मतलब आपका बाइबल यदि लेदर का है, चमड़े का कवर का है, वो चमड़ा रह जाएगा, वो किताब रह जाएगा, वो वचन वहां से चला जाएगा। क्या आपको पता है आपके पास वचन भी नहीं रहेगा। अनुग्रह का दरवाजा नूह के समय में जैसे बंद हुआ था, वैसे ये समय में बंद होने जा रही है, बहुत जल्दी होने वाली है। ये सात साल का क्लेश बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। बस हम कगार पर है, अपने अपने बिस्तरों को बांधो, अपने 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 लाइफ को चेंज करो, दूसरों को चेंज करने मत जाओ, क्योंकि ये ग्रेट एस्केप कौन सी मुहूर्त में और तुरई बचेगी आकाश गंगा में और सब लोग नहीं सुनेगा, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा मुद्रांकित किए गए अविश्वासी सुनेंगे और कोई नहीं सुनेगा। सब क्रिश्चियन नहीं सुनेंगे, अन्य जातियों का तो काम ही नहीं, उनको छोड़ दो। इसलिए क्या आप सुनोगे? क्या आपको सील हुआ है? क्या आपका सील हुआ है? सील का मतलब क्या होता है? जब कोई डाकिया डाक लेके आता है या कुछ भी, या कोई भी व्यक्ति फ्लिपकार्ट में लेके आते हो, सील मार के लेके आते हैं, उस सील को कोई खोल नहीं सकता है, केवल जिसका पास है वो ही खोलेगा। उसी तरीके से यहां पर कौन जाएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन सील जिसको हुआ है कौन जानता है। एक वचन हमने गायन पढ़ेंगे, उसके वचन बाइबल लिखा है, तो आप बोलेंगे कि कहानी बता रहे हैं हम। परमेश्वर वचन में लिखा गया है कि जिसको पवित्र आत्मा के द्वारा मुद्रांकित किया गया है वही जाएगा, वही जाएगा और कोई नहीं जाएगा। दूसरा कोरिन्थियों उसका 1:21-22 पढ़ेंगे, बाइबल जिसके पास है पढ़ो। दूसरा कोरिन्थियों उसका 1:21-22, नाउ ही हु एस्टैब्लिशेस अस विद यू इन क्राइस्ट एंड अनॉइंटेड अस इज गॉड हु आल्सो सील्ड अस एंड गेव अस द स्पिरिट इन आवर हार्ट्स एज अ प्लेज। हिंदी में पढ़ो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में भेंट करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है। जो हमारा अभिषेक किया है और जो हमें मसीह में दृढ़ किया है उनका नाम है यहोवा परमेश्वर। उसके बाद जिसने हम पर छाप भी कर दिया। छाप, जिसने हम पर छाप किया है, ये कौन सी छाप के बारे में बता रहे हैं? और बयाने में आत्मा को हमारे मन पवित्र आत्मा का छाप इसे कहते हैं, इसे कहते हैं पवित्र आत्मा का छाप हमारे मनों में, हमारे रूह में दे दिया गया है। और जिसके ऊपर ये छाप है वो कैसे बनेगा? वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं बनेगा। जिसके ऊपर छाप है, पवित्र आत्मा को दिया गया है, कितने खाली अन्य भाषा बोलने से पवित्र आत्मा को दे दिया गया है, कितने अन्य भाषा वाले भी नरक जाएंगे, कितने अन्य भाषा वाले भी। और उस ग्रेट एस्केप जहां पर भागना है ना, जो ग्रेस जो भागना हमें तुरंत ले लेगा गॉड, उसमें नहीं जाएंगे। अन्य भाषा मेजोरिटी वाला रह जाएंगे, क्योंकि अन्य भाषा को स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, लेकिन पवित्र जीवन, यीशु मसीह में जीवन, वचन में जीवन। खाली बाइबल बाइबल को रख के, बाइबल A.W. टोसर कहते हैं कि बाइबल गॉड को रिप्लेस करना। आज बाइबल खोल के खाली बैठ जाते हैं हम लोग, लेकिन बाइबल करते नहीं है। आप कितना भी बाइबल पढ़ो स्वर्ग नहीं जाने वाले, लेकिन वो बाइबल की बातों को मानो, आज्ञा को मानो और चलो, तब तेरा गाड़ी ऊपर जा रही है। ये भ्रांत दुष्टात्मा का, भ्रांत दुष्टात्मा का शिक्षा है कि बाइबल पढ़ो तुम स्वर्ग चल जाओगे, यीशु का नाम ले लो तुम स्वर्ग चल जाओगे,
यीशु को ग्रहण कर लो तो स्वर्ग चल जाओगे, ये झूठी शिक्षा है। खाली यीशु का नाम लेने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे। यीशु के वचनों को, आज्ञाओं को, उनके अनुशासन को ग्रहण करके उस पर चलने से और पवित्र जीवन बिताने से आपकी गाड़ी ऊपर जाएगी, नहीं तो आपका कोई गुंजाइश नहीं। आप नरक, यीशु का नाम लेके नरक जा रहे हैं। इसीलिए बहुत लोग यीशु का नाम लेके शराब पी रहा है, बहुत लोग यीशु का नाम लेके जुआ खेल रहा है, बहुत लोग यीशु का नाम लेके ब्लू फिल्म देख रहा है, बहुत लोग यीशु का नाम लेके गलीचार में है। क्या सोचते हो यीशु का नाम आपको लेके चलेगा? कितने ये भी भ्रांत बोलते हैं कि हम व्यभिचार में है लेकिन हम अच्छे हैं। तो अच्छा कैसे हुआ? तू तो व्यभिचारी है। ना, भूल बातों में मत रहो, पवित्र जीवन बिताओ। पवित्रताई के बिना परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता है। चलता है, सुन, परमेश्वर का क्रोध तू देखा नहीं है। इंग्लिश में तुझे बोलते हैं फॉर्निकेटर। जो चाहे हम लोग वही करते हैं। तुम्हारा गाड़ी ऊपर नहीं नीचे जा रहा है। तू खराब सोच, गलत सोच, अपने आप को क्या सोच, आई डोंट केयर। के बाद ही सेक्स अलाउड है। अगर कोई भी गलत काम में तू है, कोई भी, कोई पास्टर भी हो, लीडर भी हो, कोई भी, तू नहीं जा रहा है स्वर्ग, तुझसे खुदा खुश नहीं है। और तुझे कोविड भी हो सकता है। अगर अपने जीवन को बचाना चाहते हो, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, लुचपन, गंदगी, दुष्टात्मा की हरकतों से बचो। जो अपने आप को संसार से बचाएगा वो ही बच के निकल जाएगा। ये समय नहीं है प्रवचन देने का। मुझे आज एक प्रभु के जन ने कॉल करके बोला, तुम बहुत मीडिया में आ रहे हो। मैंने बोला हाँ, क्या हुआ? बोला पिता ने तुझे वार्निंग देने के लिए बोला है तुझे। बोला क्या क्या वार्निंग दे रहा है? बोला कि जाके बोल उन लोगों को कोई अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं बोलना, मैं बहुत जल्द आराम करके बोलना, अपने अपने वस्त्र को मलिन करने से बचाव करके बोलना, दुनिया कभी भी बचने वाली है। और बहुत कम लोग वो ग्रेट एस्केप में जाने वाले हैं। उनको बोलना कि बहुत कम लोग मेरे साथ जाने वाले हैं जो सील्ड हुए हैं। इसलिए सुन लो, जो कोई पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करता है, सुन लो, वही पवित्र आत्मा आपका ट्रांसफर बनेगा, ट्रांसपोर्ट बनेगा आपको लेके जाने के लिए। अगर पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करोगे तो आपको उठाएगा कैसे? रोमियो 8 में लिखा गया है, जो आत्मा मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया और उठा के पिता के दाहिने तरफ बिठाया, वही आत्मा तुझे और मुझे जिलाएगा। और पवित्र आत्मा पर हम भरोसा नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा को विश्वास नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा को हम दुखी करते हैं, कैसे जाओगे ऊपर बताओ? यीशु पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा आते हैं। सील किया गया है। आपको पता है इस संसार में यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह इफिसियों 2:6 के अनुसार पिता के दाहिने तरफ बैठा है। आपको पता है यूहन्ना 14 में लिखा है, यीशु कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। मुझे जाना है, अगर मैं रहूंगा यहां पर तो केवल यरूशलेम और इज़राइल में रहूंगा, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तो पवित्र आत्मा
लोग समझते नहीं, बोलते कि हमारा धर्म ये लिखा है, हमारा संप्रदाय ये बोल रहा है। तुम्हारा संप्रदाय भी नहीं जाएगा, तुम्हें कोई संप्रदाय स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, कोई बैप्टिस्ट पेंटिकॉस्ट मिशन आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा आपको यीशु के नाम से स्वर्ग लेके जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा को विश्वास करो, जैसे दुष्ट आत्मा है वैसे पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से भरो, जो कि आप आपको और मुझे पवित्र रखता है। इसलिए यहां पर लिखा सील, पवित्र आत्मा के द्वारा ही मारा जाता है। अंतिम चैप्टर प्रकाशित वाक्य 22 निकालो, जिसको सील किया गया है वो कैसा रहेगा। देखो जी रहा हूं, मैं विश्वास से जी रहा हूं। यू आर माई
मसीह जी रहा है। ये होता है ग्रेट एक्सचेंज। मेरी टूटे पग को ले लिया और उसका संपूर्णता को मुझे दे दिया। मेरा शेम को ले लिया और उसका ऑनर को मुझे दे दिया। मेरा दुर्बलता को उसने ले लिया और उसकी बलता को सामर्थ्य को मुझे दे दिया। यह होता है द ग्रेट एक्सचेंज। यह होता है द ग्रेट एक्सचेंज। यह होता है बड़ा अदला बदली। बड़ा अदला बदली। मेरे कोट को उसने ले लिया और उसका चमड़े का वस्त्र को मुझे दे दिया। मेरे खून को उसने ले लिया और उसका खून जो पाक और पवित्र है मुझे दे दिया। इसलिए कोविड मुझे छोड़ेगा तो उसे कोविड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू में कोई भी बीमारी जिंदा नहीं रह सकती है। कोरा का सपाना मनामा रिकाला प्रकाशे तो रोबो सकाना प्रकाशे ग्लोरा बाबा बाशुको रोबो बो 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 रिपाना प्रकाशे जिके रे बे 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 शुको रोबो बो 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 रिपाला से तेरो सो तो रो संभाले प्रकाशो तो ग्लोरी टू गॉड। अब हम देखेंगे जो यीशु मसीह ने लेने के बाद कितने लोग बोलते कि ये पाप को मैं छोड़ नहीं पाता। तू झूठा है। तू छोड़ नहीं पा रहा, ये गलत है। तू छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि तेरे को पाप से लत लग गई है। तेरे को पाप की लत लग गई है। तेरे को गंदी चीजों की लत लग गई है। क्यों पता है? क्यों हम झूठ बोल रहे पता है? क्योंकि अगर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं बोल रहे हो, पाप इतना दमदार नहीं है। मेरे बाप ने पाप को मारा है। यीशु मसीह ने पाप को हराया है। अब तू बोल रहा है यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद पाप अभी भी जिंदा है ना? आइदर यीशु झूठ बोल रहा है या हम झूठ बोल रहे हैं। यीशु तो झूठ बोल नहीं सकता। उसने पाप के मुंह पर दे तमाचा और कहा, मैंने हर एक पाप और श्राप को तोड़ दिया है। अगर हम पाप में हैं तो हम उस पाप को प्यार करते हैं। वो पाप में इतना दम नहीं है कि आपको पकड़ के रखे। आप छोड़ना नहीं चाहते हैं इसलिए वो पकड़ा है। जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन आप रिहा हो जाओगे। कैसे? क्रूस के ऊपर उसने सारे मानव जाति का पाप को ले लिया और क्रूस में मार दिया और उसके बाद उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसका जस्टिफिकेशन हमें दे दिया। इसीलिए आज मैं पवित्र रह सकता हूं। नहीं, सारे लोग इतना पवित्र हैं, हम कैसे पवित्र रहेंगे? एक्सक्यूज मत कर। अगर तू एक्सक्यूज करेगा तो एक्सचेंज नहीं होगा। अगर तेरा एक्सचेंज नहीं होगा तू ग्रेट एस्केप में नहीं जाएगा। तीन ई याद रखना, तीन ई। एक होता है एक्सक्यूज, सेकंड होता है एक्सचेंज एंड थर्ड होता है एस्केप। एक्सक्यूज, एक्सचेंज एंड एस्केप। मेरे प्रियो, इसलिए जो एक्सक्यूज करता है कि कोई भी पाप, झूठ भी एक पाप है। ऑल लायर्स विल गो टू हेल फायर। जेलस में रहने वाले विल गो टू हेल फायर। नरक की आग में जाएंगे। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्सक्यूज मत दो। आप एक्सपीरियंस करो गॉड के लव को। एक्सपीरियंस करो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को और जाओ। और हर एक पाप हारेगा। हर एक पाप हारी है। मैं एक युद्ध लड़ रहा हूं। ऑलरेडी यीशु मसीह ने जीत लिया है। तालियों।
मैं जिस युग में हूं वो युद्ध ऑलरेडी मेरे पापा ने जीत लिया है, ऑलरेडी मेरे बड़े भाई ने जीत लिया है, ऑलरेडी मेरे पति ने जीत लिया है। हालेलुया। समझ पा रहे नहीं, मैं एक जीता हुआ युद्ध को लड़ रहा हूं, हारने की कोई गुंजाइश नहीं है जिस किसी को यह समस्या ने बुलाया है। लेकिन आप सब हार क्यों रहे हैं? हो सकता है कि आपको मुद्रांकित नहीं किया गया है, यह हो सकता है आप मजाक कर रहे हो, यह हो सकता है आप चलता है वाला वर्ड को अपने डिक्शनरी में रखकर आगे बढ़ रहे हो। नहीं चलता है। यीशु मसीह ने हर एक पापों को हराया है, यीशु मसीह ने शैतान की ताकत को हराया है। पाप क्या है? शैतान का स्वभाव है। अरे शैतान को जब हरा दिया, पाप कौन सी बात है? सुनो, मैं जिस पाप के विरुद्ध में लड़ाई कर रहा हूं वो पाप को यीशु ने हराया है। ये कोई भी पाप का नाम ले लो, ये ऑलरेडी हारी हुई है। और हम हार रहे हैं उसका मतलब यीशु नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं। आज हमें सच्चाई का सामना करना होगा, नहीं तो आप ग्रेट एस्केप में नहीं जाओगे। रैप्चर का मतलब क्या है? ग्रेट एस्केप, भागना। एक तुरंत ही छोटा सा भयंकर प्रलय आज से पहले आपको उठा के लेके चल जाएगा। वाह, रैप्चर क्या है? लूट सोडम कमरा को देखो, कोई नहीं बताता इसके बारे में। सोडम कमरा को नाश करने गया खुदा। जब सोडम और गोमरा को नाश करने गया, क्योंकि उनकी दुष्टता परमेश्वर के नथनों के पास, उसके सिंहासन के पास पहुंच गई थी, इसलिए उसको नाश करने जब जा रहा था, तब वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम है लूट, इंग्लिश में लॉट, लॉट एंड वाइफ, एंड उसकी दो बेटियां थी। और नाश जस्ट करने का कुछ मिनट हेलो, जब सात सील को खोला जाएगा, मिनटों में 1 बिलियन लोग मरेगा एक दिन में। ये कोविड कुछ नहीं है उसके सामने जो आ रही है, कुछ नहीं है, छोटा सा एक नमूना है, ट्रेलर है जो आने वाली है। लूत और उसके पत्नी और उसके दोनों बेटियों को सोने के दूतों ने हाथ पकड़ कर निकाला। पत्नी ने बोला, अरे इतना सारा धन संपत्ति कैसे छोड़ दो, करके घूम के देख ली। बाइबल में लिखा है, क्या लिखा पता है? दो बातें का, नूह के समय में जैसे होता है वैसे लिखा है, और दूसरा होता है कि लूत की पत्नी जैसे हुई थी वैसे होने जा रहा है। बहुत लोग पीछे मुड़ के देख के रह जाएगा, बहुत लोग देखेगा क्या मेरा धन, मेरा संपत्ति, मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा बैंक बैलेंस, और भी अभी तक लोग समझ नहीं पा रहा है और भी क्या क्या खरीदने का प्लान कर रहा है, और भी अपने पॉलिटिकल एरा को विस्तृत कैसे करेगा वो प्लान कर रहा है। उसको पता नहीं आज रात में उसको कोविड हो सकता है। बातें कर रहा है लूट और उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों को निकाला, जैसे निकाला कितने, इतना बड़ा शहर सदम और डोमेरा, और उसमें केवल 4 लोग बचे, बहुत थोड़ा सा। लिखा ये संकीर्ण द्वार है और जो कोई एक ही जा सकता है, एक एक करके निकलना होगा, उसमें और कोई नहीं, पापा मम्मी भाई बहन नहीं, अकेला मुझे उस संकीर्ण रास्ता से निकलना पड़ेगा, उस पतला रास्ता से निकलना पड़ेगा। 4 लोग बचा, उनमें से एक बीच रास्ते पहाड़ चढ़ते चढ़ते एक नमक का खंभा बन गई। जितने भी लोग उसे यहां पर देख रहे हो, कोई गारंटी नहीं आप ऊपर जा रहे। अगर आपका जीवन पवित्र है, अगर आपका मन यीशु में लगा हुआ है, सच्चाई में आपने यीशु को ग्रहण किया, तभी आपका गाड़ी जाएगा, कोई भी नहीं। 4 लोग केवल गया, और जो बोले ठीक है
देखोगे और तुमको दिखाएगा गॉड। चार लोगों में तीन लोग गया और तीन लोग जाने के बाद वहां पर पहुंचे थ्री। इतना बड़ा इज़राइल का देश इजिप्ट से निकला। सुनो तीन चीज ग्रेट एस्केप बता रहे। मिस्र से निकलना एस्केप नहीं है, लेकिन कनान में पहुंचना एस्केप है। यहूदा का किताब देखो, यहूदा बुक ऑफ जूद, बुक ऑफ जूद एक ही चैप्टर है उसका। थैंक यू लॉर्ड। कोरा पश्चावाल बरासी रिबा अब्रागा संदूक रोशन को बोगो सातवां पकड़ो छह से पकड़ो पांच से। मैं तुझे याद दिलाना चाहता हूं, लिखा ये बाइबल प्योर बाइबल पढ़ो, बहुत सारे टीचर्स को मत सुनो, बस बाइबल पढ़ो, जानो क्या लिखा है। तो बहुत भ्रांत में चला जाओ, कहां से आओगे पता नहीं चलेगा। फिर जब आप वापस आओगे बोलोगे प्रभु मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, प्रभु अगर तू है कौन मैं जानता नहीं हूं, तू रॉन्ग वे में दौड़ा, ट्रैक से बाहर दौड़ रहा था, तू यहां पहुंचा कैसे, तू कभी जीत नहीं पाएगा। बेन जॉनसन करके एक व्यक्ति था, दौड़ता था, रनर था और दौड़ता था वो, और कितने इयर्स अगो ओलंपिक में वो भयंकर दौड़ा। दौड़ने के बाद वो फर्स्ट आया, जब वो फर्स्ट आया बेन जॉनसन बहुत आगे पहुंच गया। वो इसे पहुंचा, उसके बाद उसको मेडल भी मिल गया। उसके बाद पता चला कि उसने डोप लिया है, उसका मतलब ड्रग्स में खा के दौड़ा था, उसका उससे उसका मेडल को छीन लिया गया। बोले कि तू फर्स्ट आ सकता है लेकिन तूने डिस्क्वालीफाई हुआ, क्योंकि तूने नियम के अनुसार दौड़ा नहीं है, ड्रग्स लेके दौड़ना नहीं चाहिए था। आज मसीह जीवन में फर्स्ट आने के लिए लोग बहुत कंपटीशन करते हैं। मैं नंबर वन आना चाहता हूँ, फर्स्ट आना चाहता हूँ। सुनो आप डिस्क्वालीफाई होने वाले हो। फर्स्ट आना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सही राइट वे में आना वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए सच्चाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर कोई बोलता है थोड़ा पैसा दे तो हम काम करवा देंगे, मत करो। हर एक काम को क्लीन और स्लेट करना होगा, पूरा क्लीन काम करना होगा। रियल क्रिश्चियन बनो, सच्चाई में चलो, आंखों में अभिलाषा का चीज मत रखो, पवित्र हृदय को रखो। टूटा हुआ दिल लेके खुदा के पास आओ। लॉस हो रहा है तो लॉस होने दो, लेकिन आप यीशु मसीह को गेन करोगे, आप यीशु मसीह का मुकुट को जीतोगे, आप स्वर्ग को जीतोगे, दूसरा मृत्यु आपको टच नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ऐसा दौड़ो कि आप पुरस्कार को पाओ। सभी तो दौड़ते हैं लेकिन एक व्यक्ति पुरस्कार पाता है। सुनो मैं क्या बता रहा हूं, रैप्चर के बारे में, ग्रेट एस्केप के बारे में। 15 मिनट में बहुत सारी चीज को बता रहा, फास्ट सुनो। हाँ, यहूदा लास्ट सात, राइट, यहूदा का छह, हाँ पढ़ो पांच छह सात। पर यदि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ, फिर याद दिलाता हूँ जल्दी, कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद, हाँ प्रभु ने पूरा एक कुल को इज़राइल देश को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया कहां पर, रेगिस्तान में। फिर जिन स्वर्गदूतों से, बस उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है मिस्र देश से तो वो बाहर आ गए लेकिन कनान देश में कभी पहुंच नहीं पाए। ये क्या है, ये होता है बैकस्लाइडिंग है, ये क्या है पीछे हटना है, ये क्या है उद्धार तो पा लिए, यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिए लेकिन बीचों बीच रास्ता में मर गए, कनान देश में पहुंच नहीं पाए, ये पीछे हट गए। और सोचो 6 लाख परिवार निकला था, पहुंचे कितने लोगों में से, 2 लोग, ऋषियों देख रहे हो बहुत कम। सोचो भी आप मुद्रांकित किए हो, किया गया हो, छाप मारा गया है,
या नहीं? रो, बुलाओ और पुकारो, लॉर्ड मुझे सीख क्या गया है तो मैं अपने आप को पश्चाताप करता हूं यीशु, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं। दो ही लोग घुस पाए, सकरा मार्ग है। मैं सुसमाचार अन्य जातियों के क्रिश्चियनों को सुना रहा हूं, सकरा मार्ग में चलना सीखो। कोई होल नाइट के प्रेयर में आपके साथ नहीं बैठेगा। आप बैठो, अकेला बैठो, उपवास करो, उपस्थिति में रहो। पता है आज मुझे जो नया बात मुझे पता चला, क्या बात पता है? 7 साल का जो भयंकर क्लेश पृथ्वी में चलता रहेगा, जो ग्रेट एस्केप में यीशु के साथ गया ना, 7 साल तक स्वर्ग में यीशु का शादी का जश्न मनाया जाएगा। यहां पर चीर काट मार, खून खराबा, ब्लास्ट तोड़ फोड़, और वहां पर आनंद ही आनंद 7 साल के लिए मेमने का शादी होगा। वहां पर खाना, वैरायटीज ऑफ खाना, वैरायटीज ऑफ प्रेजेंस का खाना मिलेगा, स्वर्गीय मछली मिलेगा। वहां पर नदी तो मछली फल है। बैंक्वेट हॉल में बैठा रहेगा दुल्हन का साथी, जो गया उसका साथी होगा। और यहां पर काटा मारा, और यहां पर तूफान और आंधी हरकतें होती रहेगी, लेकिन ठीक उसके ऊपर स्वर्ग में 7 इयर्स तक शादी का जश्न मनाया जाएगा। इसलिए 5 मूर्ख कन्याएं अपने तेल को बचा के कुप्पी में रख, अपने जीवन को तैयार कर। बुद्धिमान तो सील हो गया है, मूर्ख तेरा क्या होगा? मूर्ख तेरा क्या होगा? तेल में तेल का है, मध्यरात्रि में ये समस्या आने वाला है। मध्य रात्रि में पवित्र यीशु का आगमन होने वाला है आकाश। तू और हम कहां रहेंगे? बोलो क्या लिखा है उसका? फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने सुनो निज निवास को छोड़ दिया। एक होता है उन्होंने, देखो सुनो, जो इस्राएल लोग मिस्र से निकले, कोई नहीं गया, केवल 2 व्यक्ति गया। प्रभु ने निकाला और प्रभु ने मारा, क्यों पता है? क्योंकि उनके पापों की वजह से पाप के सुन मर गए। फिर स्वर्गीय दूतों के बारे में लिखा है, जो स्वर्गीय दूतों को परमेश्वर ने एक एक जगह रखा था अपनी जगह रहने के लिए, वही स्वर्गदूत क्या किया? अपने पदों पर स्थिर ना रखा, अपने पदों पर स्थिर ना रहे, उसके बाद वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, अपने निज निवास को छोड़ दिया। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। अभी उनको बंधनों में रखा है। जो स्वर्गीय दूत आराम से उठते थे, जो स्वर्गीय दूत को सब कुछ दिया गया था, जो स्वर्गीय दूत के सामने ग्लोरी महिमा ऐसे घूमता था, वो कहीं भी जाते थे उनको लोग धन्यवाद देते थे। वही लोग जब उनके 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 पोजीशन को छोड़ दिए, और जब वो गिराए, और जब 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 वो उन्होंने नीचे आके गंदगी किया, मनुष्य के साथ उन्होंने सेक्स किया, हर प्रकार की गंदगी किया, उन लोगों को बांध कर परमेश्वर ने उनको अंधकार में रखा कि न्याय का दिन उनको पूछा जाएगा। बड़े बड़े स्वर्गीय दूतों को देखोगे जिसको बांध के रखा, उनको रिलीज नहीं किया गया, और ये 7 साल क्लेश में उनको रिलीज किया जाएगा। आपको समझ में नहीं आता कितना भयंकर भयंकर विपदा का दिन आने वाले हैं? ये जो दुष्टात्मा जो दिखते नहीं है काम कर रही है, थोड़ी देर के बाद दिखने लगेगी। ये सब बॉटमलेस पिट से आएगा करके लिखा है, महामारी नरक के कुंड से रिलीज किया जाएगा। इस सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बहुत सारा विश्लेषण किया गया है। तो इसलिए मेरे प्रियो सुनो, 7 साल का केस तुरंत जैसे खत्म, ओनली 7 इयर्स, 7 साल कैसे आएगा पता नहीं, 7 साल का केस तो खत्म होगा, 1000 साल का रूल एंड रूल्स रेनिंग, 1 साल का मिलेनियम चालू होने वाला है। और वहां पर जो 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 यीशु के साथ गए होंगे, जो 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 मध्य आकाश में यीशु आएगा, और जो उठाए होंगे, और जो बंद होकर मरेंगे, जो घूमेंगे अपना, वही लोग स्वर्गदूतों के साथ यीशु के साथ वापस आएगा।
यरूशलेम में यीशु मसीह 1000 साल राज्य करेगा और हम सब उनके साथ आएंगे अगर हमारा जीवन सही और पवित्र है तो, अगर हम परमेश्वर के साथ है। और ये कब होने वाली है? जस्ट और कभी भी यीशु मसीह राक्षस जस्ट राक्षस हुआ उसका मतलब ये एंटी क्राइस्ट ऐसे बैठा हुआ है, एंटी क्राइस्ट जस्ट उठने वाला है। और जब ये झूठा जो ख्रिस्ट विरोधी जो है वो जो उठ वो उसको रोक के कौन रखा, उठ नहीं पा रहा है, उसको रोक के कौन रखा पता है? चर्च हम लोग है, इसलिए यीशु मसीह और उसको उठने नहीं दे रहा है, हम लोग उठने नहीं दे रहा है, हम उससे दुल्हन है। और जैसे ही हम लोग को ले लिया जाएगा वो उठ के खड़ा हो जाएगा, जैसे वो खड़ा हो जाएगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आ जाएगा, वन वर्ल्ड करेंसी हो जाएगा, वन वर्ल्ड रिलीजन हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खड़े हो जाएंगे और पूरा दुनिया एक हो जाएगा, वो एकता को ला देगा। और 3.5 साल क्लेश होगा और 3.5 साल महाक्लेश होगा, भयंकर भयंकर विपदा आने वाली है। इसका काउंटिंग में 20 पॉइंट से हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा जो स्वर्गीय दूत अपने स्तर को रखे नहीं, अपने पोजीशन को रखे नहीं, उन लोगों को बांध कर बेड़ियों में रखा है, उनको बोला जाएगा, उनका जजमेंट होगा। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता। उसके बाद क्या लिखा है पढ़ो जल्दी। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराय शरीर के पीछे लग गए थे आपके अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत है। सदोम गोमोरा को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, एक भी मनुष्य वहां पर नहीं बचा, सबको खत्म कर दिया, केवल लूट को बचाया गया। उस तरीके से कितना कम लोग जा रहे हैं सोचो, इसको बोलते हैं द ग्रेट एस्केप। और एक छोटा सा जगह है जहां पर से फाटक मिलेगा, वहीं से निकल जाना होगा। द ग्रेट एस्केप के बारे में कुछ कुछ वचन को आपको मैं देता हूं, आप देखिएगा परमेश्वर के वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के बारे में आपको मैं कुछ कुछ बातों को मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे ये होने जा रही है। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। बहुत सारे जगह में रैप्चर के बारे में लिखा गया है। थैंक यू होली स्पिरिट। 4 का पढ़ो 4। बहुत सारी चीजों नहीं बताने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बताऊं सुनो, और मैं कुछ कुछ चाबियां दूंगा, अगर आप उसको पकड़ लिए आप गारंटी जाओगे। गॉड अपने सीक्रेट्स को अपने दासों को देता है। मुझे कुछ कुछ सीक्रेट दिया है, मैं सब तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन कुछ कुछ दूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अच्छा 4 से पढ़ो 4 15 से पढ़ो पहला 4 15 16 17 क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। इसका मतलब रैप्चर पहला जो सोए हुए हैं उनका होगा। सोए कौन है? बाइबल ये भी नहीं बताता मरे हुए, सोए हुए हैं। सोने का मतलब क्या है? कि जो कोई मसीह में सोया है, प्रभु में सच्चाई में चलते चलते सोया है, उन लोग हम लोग से पहला रहेगा लेकिन हम लोग उनके बाद रहेगा। अब और एक पावरफुल चाबी देता हूं, मैं देता हूं समय। मृत्यु क्या है? सिंपल सा, मृत्यु सोना है। कौन सा सोना? सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, वो सोना नहीं, सोना। एक दिन रात में मैं सोना सोने गया और सोने से पहले प्रार्थना किया, प्रभु मृत्यु बहुत भयंकर है ना, क्या है आप रे? प्रभु बोला सो जा। और जैसा कि मैं सो गया और सुबह उठा हुआ प्रभु उसको सपना नहीं देखा मैं, तो तू क्या किया था? तो मैं सोया था। तो तेरा प्रश्न क्या था? मृत्यु कैसे होती है? प्रभु ने बोला सोने के जैसे होती है।
इसलिए बाइबल में कहा गया जो सोए हैं वो पहले सोए हैं उसको वो मर गए। स्लीपिंग स्टेट ये चाहिए है, इसे डरना नहीं मरने के लिए। मृत्यु में थोड़ा दर्द होगा, कष्ट होगा, क्योंकि शरीर को आत्मा छोड़ेगा तो मैंने सोच लो जो पेन होता है मुझे पेन नहीं होगा। आपका विश्वास जैसे भैया हमको पता नहीं क्या होगा, लेकिन मृत्यु में पेन होती है। लेकिन जब पेन होगा तो चले सो जाओ, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। इसलिए मृत्यु क्या है? सोना। इसलिए बोलते जो पहले सोए हैं वो हमारे पहले ही रहेंगे हर समय। उसके बाद जल्दी बोलो, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ये पूरा रैप्चर का लिखा है। उसके बाद उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। आमेन। प्रधान दूत, कभी भी प्रभु आता ना वो स्वर्ग के दूत आएगा। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज शाम को सुना है तो स्वर्ग दूतों के बारे में हमने शिक्षा दी था कि बहुत पावरफुल था। कभी भी ये सोच जाना स्वर्ग दूत, कभी भी आपने ये सोच लिया स्वर्ग दूत ने मिशन किया रेगिस्तान में मुझे पावरफुल होगा जैसे कि आपके रूह के अंदर कान के पास ही बजाएगा। कितना बोल रहे झूठे भक्त वक्ता आएंगे और बोले यीशु यहाँ है, सुनना नहीं जाना। क्यों जाएगा भैया? जब वो आएगा हमको तुरी से सुनना ही देगा अपने रूम में। मैं क्यों जाऊं यरूशलेम में आया, 1,00,000 रुपया कौन देगा मुझे जाने के लिए यरूशलेम? बोलिए। इसलिए जब यीशु मसीह आएगा ये ग्रेट एस्केप, एक छोटा सा फाटक खुलेगा और उसने वो आवाज सुनाई देगा। वो आवाज भी इतना दम रहेगा कि वो क्या करेगा? और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। उसका मतलब जैसे ही तुरी बचेगा कब्र खुल जाएगी, बहुत सारे कब्र खुल जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि उनका शरीर आत्मा तो जगन चला गया है, लेकिन जो शरीर जो इनका है वो शरीर के साथ आत्मा का मिलन होगा। बाइबल में लिखा गया है इससे तो कब्र खुलेगी। क्या कब्र में जो मरे थे उनको रहते हैं क्या? कब्र में तो शरीर रहता है, आत्मा तो चला गया। कहां पर? एक पर्टिकुलर जगह। कोई बोलता है पैराडाइज, पैराडाइज, या कोई बोलता है कि मध्य आकाश में पर्टिकुलर जगह है जहां पर इंतजार करें। किसके लिए? अपने बॉडी के लिए। पौलुस कहता है मेरा एक ही आशा है कि मेरा शरीर मुझे कब वापस मिलेगा। वाह। उसका मतलब जब यीशु मसीह आपको बचाएगा, उद्धार का मतलब क्या है? आपका शरीर भी बचेगा, आपका मन प्राण आत्मा सब कुछ बचेगा। आमेन। तो यीशु मसीह ने बलिदान दिया तो केवल आपको आत्मा बचाने के लिए नहीं, मन आत्मा और शरीर सब कुछ बचेगा। इसलिए मरे हुए जो पहले है उसे तुरही की आवाज पहले आवाज आएगी और कब्रों से सुप सुप क्या जाएगा उनका बॉडी। अरे यदि मिट्टी में मिल गया तो मिट्टी से निकलेगा, हड्डी हो गया है तो मांस आएगी, सुप उठेगा और उसकी आत्मा जहां है उसके अंदर घुसेगा। क्या ही अद्भुत समय होगा। और ये बहुत समय नहीं, बहुत साल और नहीं है, बहुत जल्दी होने वाली है। उसके बाद तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और तब हम जो जीवित और बचे हुए रहेंगे हम ऐसे ही कोट पर पहन के प्रचार करते करते अगर यीशु आ गया, हालेलुया, कोट पर शर्ट तो रह जाएगा, बॉडी के साथ में चला रहा होगा। हालेलुया। पायलट चला रहा होगा एरोप्लेन, फ्लाइट चलता रहेगा, एरोप्लेन में बैठ के पायलट चला गया तो प्लेन क्रैश, पायलट भाई चला गया।
जो जिंदा है सब दूरी में इतना पावर होगा कि वो आपको और मेरे शरीर को एक सेकेंड में सब हम रूपांतरित शरीर में आ जाएंगे। कैसे? जैसा यीशु है वैसे हम बन जाएंगे। यीशु कैसा उठा? शरीर शरीर के बिना वो उठा नहीं। लोगों ने कहा शरीर को कोई चोरी कर लिया क्या? यीशु मसीह जब उठा अपने शरीर के साथ उठा। इसलिए उन्होंने ढूंढ रहे थे बॉडी कहां है, बॉडी कहां है। कहा जैसा यीशु उठा है वैसे हम उठने जा रहे हैं। ओ ग्लोरी कारामासा रे ब्रे। मैं समझ रहा हूं ऊपर में क्या क्या होगा, कहां जाए, कितना बढ़िया जगह रहेगा। ओ थैंक यू लॉर्ड, खुदा के पास आ जाओ।
यीशु के पास आ जाओ। मृत्यु हमारे लिए लाभ है, बाइबल में लिखा है। पौलुस कहता है मृत्यु मेरे लिए लाभ है। वाह, क्योंकि जैसे मृत्यु आएगी मैं इस शरीर से एब्सेंट हो जाऊंगा, लेकिन गॉड के साथ प्रेजेंट होगा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर महान है, वो मेरा अब्बा पिता है, मेरा यीशु मेरा दुल्हा है। ड्रेस पहन चुके हैं, अरे जिसको सील लगा है ना वो शादी का गाउन पहन रहे हैं, पता है। पवित्र आत्मा उसको सज सज धज के रेडी करवा रहा है। शादी होगा, 7 साल महाक्लेश में होगा, 7 साल आनंद ही आनंद होगा। कहां हो आप? आज यीशु मसीह हमें बुला रहा है, आज यीशु मसीह बोल रहे हैं आ जा। इसलिए तुरे की आवाज में जो पहले मरे हुए वो जिंदा हो जाएंगे, वो उड़ के चल जाएंगे, और उसके बाद हम लोग जो जिंदा है उनके साथ उड़ के मिलके उनके साथ जाएंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद कि हवा में प्रभु से मिले। वो लोग कहां मिलेगा? हवा में मिलेगा। उसका मतलब रैप्चर, द ग्रेट एस्केप कहां पर होगी? हवा में होगी। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आएगा, इस पृथ्वी पर ताश नहीं करेगा, क्योंकि श्रापित है ये पृथ्वी, ये नाश होने जा रही है। उसका दूसरा आगमन जब होगा, आर्मगेडन का युद्ध जब होगा, तब वो आएगा और जैतून का पहाड़ फट जाएगी, अलग हो जाएगा। इतना भयंकर समय में यीशु मसीह जाएगा। तो इसलिए उससे पहले वो आ रहा है अपने दुल्हन को लेके जाने के लिए, जो अपवित्र व्यभिचार, गंदगी, अश्लीलता, झूठ, लुचपन, गंदी चीजों से वो अलग होके है। वो कुछ दिन ऐसे रहने की कोई बात नहीं, मैं ऐसे रहूंगा, मेरा राजा आ रहा है, उन लोगों को लेने के लिए आ रहा है। पुस्तक आपके पास एक ही कपड़ा हो, लेकिन आप सील किया गया है, पवित्र आत्मा सील किया गया है। हालेलुया। हो सकता है आप रात में और बहुत सारा आइसक्रीम खा के नहीं सोया, खाली पेट सोए हो, आप सील किए गए हो। और जिस किसी को सील किया गया उनके उनका चेहरा चमक लगेगा। शैतान जानता है और आपको गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु आपको बचाएगा, यीशु आपको बचाएगा। और आप गिरना चाहो उसमें वो जल्दी आएगा। वो होता है कि चुने हुए लोग ना गिर जाए, चुने हुए लोग ना बैकस्लाइड हो जाए। इसलिए मैं दिल को छोटा क्या हूं, पर शीघ्र आ रहा हूं। मत्ती 24 में लिखा है, ओ हमारे लिए आ रहा है, आप तैयार हो। ओ अगर मैं तैयार नहीं हूं, आज सिर में चमक रहा है, सील किया गया है, होली स्पिरिट को मैं देख रहा हूं। आई कैन
see the people here. I can see. और देख रहा हूँ बहुत होगा. आपको सील नहीं किया गया. मांगो पवित्र आत्मा, मुझे सील कर दे लॉर्ड. प्रभु मैं पीछे रहना नहीं चाहता लॉर्ड. इस दुनिया में सब नहीं मुझे जाना और मैं ही खो गया, क्या लाभ होगा लॉर्ड, क्या लाभ होगा. यीशु मांगो यीशु मसीह को लॉर्ड, मुझे सील कर दे लॉर्ड, मुझे वो भूख और प्यास दे तुझे देखने के लिए. मुझे मत छोड़ना. पांचवी आयत में लिखा है कि अंतकालीन में समय काल के बारे में तुम्हें बताना नहीं चाहता. तुम लोग जानते हो चोरों के न्याय यीशु आने वाला है. उसके बाद लिखा है चोर के न्याय आएगा. चोर के न्याय चोर कब आता है? सुबह के रात में आता है. उसका मतलब जान लो यीशु मसीह कब आएगा? जब रात होती होगी. रात का मतलब क्या है? रात का बहुत प्रकार का मतलब है. रात होती होगी मतलब क्या है कि रियल आपका अंधेरा होता होगा या रियल ये COVID-19 पूरा दुनिया में रात है. लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं. इंडिया में घाट भी हो रहा है. इतना भयंकर ये रात का समय है. रात क्या है? रात हमारे सोने का समय है. उस समय मध्य रात्रि में लिखा मध्य रात्रि में दूल्हा आया मत्ती 24 पढ़ के 25 पढ़ के सोना. आज दूल्हा आया कब हुआ? मध्य रात्रि में चिल्लाने लगे. कौन चिल्लाया? स्वर्ग के दूत तुरैया बजाकर दूल्हा आया. ए दुल्हन उठ जाओ. जब दूल्हा आया चिल्लाया. और उस समय में 5-10 लोग उठे. लेकिन 5 लोग गया, 5 लोग नहीं गया. उस समय 50% कलीसिया रह गया क्योंकि तेल नहीं थी. अभिषेक दान कभी प्रार्थना नहीं किए. उपवास करना था, उपवास नहीं किए. उपस्थिति में रहना था, उपस्थिति में नहीं रहे. वही लोग रह जाएगा. रोएगा सुबह उठ के देखेगा न्यूज पेपर में आ गया है कुछ लोग यहां पर से चला गया. तब वो जानेगा अरे मैं रह गया, यीशु आया मुझे पता तक नहीं चला. हाय हाय भयंकर दिन से पहले उठ जाओ मध्य रात्रि. वहां पर 5 में जहां पर देखो चोर आया रात्रि में आया रात में आया रात रात रात. अब तुम दिन का संतान हो लिखा वहां पर. उस समय परमेश्वर को चाबी दे रहा है. अरे हमारे इंडिया में रात होते हैं, अमेरिका में तो दिन होता है. तो उनका रात ना हमारा रात. हेलो तब पहुंचा ना मुझे बोले कि इंडिया का रात नहीं कि अमेरिका रात नहीं. इज़राइल को देखो. इज़राइल परमेश्वर का कैलेंडर है. जब इज़राइल का रात होगा तब मैं आऊंगा. कौन सा दिन आएगा पता नहीं, कौन सा समय आएगा पता नहीं है, लेकिन कोई एक रात में आने वाला है. मुझे जब तक महसूस हो रहा है, मैं बोल रहा हूं यही आया होगा. लेकिन मैं देख रहा हूं वहां पर जहां पर रैप्चर के बारे में लिखा है ज्यादातर लिखा है रात और चोर. आजकल चोर दिन में भी आते हैं लेकिन रियली चोर का वादा है रात में. और रात क्या है? इज़राइल का रात. तब मैंने पूछा इज़राइल का और इंडिया का रात का कितना डिफरेंस होता है. तब हमने निकाला गूगल में कि ढाई घंटा हम आगे हैं उनके. उस समय हमारा रात उनका रात है, उनका रात हमारा रात है. रियल रात. उस समय जागते हुए प्रार्थना करो. ये समझ को कब कराया गया? रात में. चोर कब आता है? रात में. पतरस का ये समझ को 80 बार किया, 3 बार अस्वीकार करने के बाद ये समझ से कहा तब क्या होते हैं मुर्गी चिनाया. तो बोल रहा है पवित्र आत्मा रात रात जाके प्रार्थना करो. सुबह में 2-3 घंटा सो सकते हो. 5:00 to 7-8:00 मेक अ हैबिट. ये हैबिट करो. इसलिए प्रभु तू रात में आएगा. वहां पर लिखा है आई विल प्रे, आई विल वर्शिप यू, आई विल लव यू लॉर्ड. अपने ध्यान और मन को यहाँ वहां केंद्रित मत करो. कोलोसियों उसका 3:1-2 लिखा अपने ध्यान को ऊपर में लाओ जहां पर वो है भगवान.
आने वाला है। यस, पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है, हमसे बातें कर रहा है, हमें तैयार कर रहा है। कल का एपिसोड मत मिस करना, कल हम रूहे आप पेश में आएंगे और हम बताएंगे होली स्पिरिट कैसे दुल्हन को तैयार कर रहा है। और आज हमारा समय हो गया है, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। वहां लिखा है चोर जैसे आएगा वैसे आएगा, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो जाने के लिए? अगर तैयार नहीं हो, रह जाओगे, उसके बाद पीड़ा, उसके बाद खून, उसके बाद ब्लड शेड, उसके बाद क्लेश। कभी ऐसा नहीं होने पाए करके दानिय्येल ने प्रार्थना किया था, प्रभु इतना क्लेश देख नहीं पाता हूं मैं। हिटलर का जो क्लेश था और नेपोलियन का जो क्लेश आई थी और भयंकर भयंकर महामारी और क्लेश और उपद्रव आया था, उसका हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। कोविड अभी तो लाखों और मिलियन में मार रहा है, उन दिनों एक दिन में एक मिलियन मरेगा, हम लोग नहीं रह पाएंगे। बहुत भयंकर परिस्थिति आ रही है। आओ हम अपने आप को तैयार करें, एक्सक्यूज नहीं दे, लेकिन ग्रेट एक्सचेंज को ग्रहण करें, क्रूस को उठाए और वो जो मुझे दिया उसको लेकर मैं चलूं। और तीसरा होता है वो ग्रेट एस्केप, वो द्वार खुला हुआ है, हम चले जाएं। आओ हम प्रार्थना करें। अभी बहुत सारा कांटा आएगा हमारे जीवन में, हमें रुकना नहीं है, आगे चल के जा रहे हैं। आंधी आने
हालेलुया। प्रभु धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तेरी महिमा के लिए, धन्यवाद तूने हमें मुद्रांकित करने के लिए, धन्यवाद ये ग्रेट एस्केप और रक्षण के लिए। प्रभु तू अपने बच्चों को लेके चला जाएगा। जितने सारे लोग इसे सुन रहे हैं, हर एक को अपना सूटकेस पैक करने के लिए ताकत दे लॉर्ड। अपने परिवार में बता दो, अपने लोगों को बता दो कि यीशु बहुत जलाने वाला है और मैं जा रहा हूं। हिंदू मुस्लिम को भी बता दो, अन्य जातियों की भी बोल दो, मैं जा रहा हूं भाई, तुझे जाना है। यीशु मसीह को ग्रहण करिए, भयंकर बनाने वाला है सबको। प्रभु बहुत बहुत आशीष, थैंक यू सो मच हमारे साथ मिलकर रहने के लिए। आई माइकल सिंह, ये गवाही है कि स्वर्ग में ये प्ले ये वीडियो दिखाया जाएगा कि मैंने एक भी बात पीछे नहीं रखा, क्योंकि बहुत जल्द ये सुनाने वाला है। और अगर आपके जीवन में पाप है, एक बुरा संवाद है, एक सुसंवाद है। बुरा संवाद पहले बताता हूं, अगर आपका पाप है और आपका नाम क्रिश्चियन है तो आपका गाड़ी नरक में जा रहा है। और अगर आप में पाप है और आप पवित्र बनना चाहते हैं, यीशु मसीह आज आपके द्वार में खड़ा है और आपके पापों को धोने के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं, यीशु मसीह सबका मालिक और प्रभु है, आपके लिए उसने बलिदान दिया है। विश्वास करोगे आज रात आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाएगा और वो ग्रेट एस्केप में आप जाओगे, आपका परिवार जाएगा, हम सब जाने वाले हैं। क्या आप जाओगे? क्या आप जाओगे? हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप जाओगे? तैयार हो। God bless you, सिद्धार्थ ब्रदर, सिद्धार्थ ब्रदर रोहित एंड ऑल द सावधान टीम, मैं God bless you। अपने आप को तैयार करो, बादलों में मिलेंगे, यहां पर मिले या ना मिले, बादलों पर जरूर मिलेंगे। God bless you।